आज तो हम बात करने वाले हैं पतियों के गुणों के बारे में, पतियों की आदतों के बारे में, या पतियों का कैसा व्यवहार हो कि जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, धन के भंडार लग जाए, साथ ही साथ सुख और समृद्धि भी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप लोग कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जय माता दी लिखिए, जिससे कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास बना रहे और धन और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। और अगर आज आप मेरे चैनल में दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, इसके बाजू में बने हुए घंटी या बेल के निशान को भी प्रेस करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके जो विचार हैं वो मेरे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि एकदम निःशुल्क है। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा हटके है कि पतियों के क्या गुण होने चाहिए, क्या आदतें होनी चाहिए जैसे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे और दिनों दिन आपकी तरक्की होती रहे। आप सबने ही सुना होगा, यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमते, यानी जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। वह नारी आपकी माँ है, आपकी बीवी है और आपकी बेटी। इन तीनों ही रूप में नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपको अपने घर में नारी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कई कई लोग अपने घर में माँ का अपमान करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। कई लोग बीवी की उपेक्षा करते हैं, उसको मान सम्मान नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और किसी किसी घर में ऐसा माना जाता है कि अरे बेटी हो गई है तो ये अपशगुन हो गया है। तो अगर आप बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तब भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं हो सकती। तो जब भी अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हो तो उन्हें हमेशा शुभता प्रदान करने वाला मानना चाहिए, माँ लक्ष्मी मानना चाहिए। और इस तरह से आपको अपने घर में हमेशा शुभ की कामना करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे गुण बताने वाली हूँ जो कि पतियों में होना चाहिए। आप लोगों की जब शादी होती है, एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, तो वहाँ पे सात वचन पुरुष अपनी बीवी को देता है, यानी स्त्री को देता है। वह वचन इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर जीवन पर्यंत पति उन वचनों का पालन करे तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। जिसमें सबसे पहला वचन है, यहाँ पे मैं आपको सारे वचन हिंदी में बता रही हूँ और थोड़ा अच्छे से उन्हें समझा के बताऊँगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी और साथ ही साथ दुख और कई तरह की कष्टों की आवाजाही बनी रहेगी। तो इससे आप इन वचनों को बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने घर में निभाएं। तो सबसे पहला वचन है कि आप जब कभी भी किसी तीर्थ स्थान, व्रत उपवास की जगह या किसी भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कि आपका मन प्रसन्नचित हो जाए, आपका मन आनंदित हो जाए, तो इस जगह पर आप अपनी पत्नी को सदैव अपने साथ लेके जाएंगे। यह जगह कोई भी जगह हो सकती है, चाहे कोई सिनेमा थिएटर हो। देश काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आप इस हिसाब से कहीं भी जहाँ पे भी आपका मन प्रसन्नचित होता है, चाहे वो तीर्थ स्थान हो, किसी रिश्तेदार का घर हो, आप हर जगह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन उस जगह जाने से प्रसन्नचित होता है तो आपको अपनी पत्नी को भी वहाँ ले जाना चाहिए, जिससे उनका भी मन प्रसन्नचित हो और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास बना रहे। आप दोनों के मन अच्छे खुश रहेंगे तो आप लोग जीवन में तरक्की करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा वचन आता है, यहाँ पे पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि जैसे वो आज तक अपने माता पिता का सम्मान करते आया है, उन्हें अच्छे से आदर पूर्वक देखते आया है, आज के बाद वो अपने पत्नी के माता पिता को भी उसी आदर और सम्मान के साथ पूछेगा। तो यहाँ पे कई सारे लोग अपने ससुराल पक्ष में जाने के बाद ही आँख मुँह सुकोड़ने लगते हैं और उनका व्यवहार बहुत ही बुरा हो जाता है, जिसका प्रभाव उनके ग्रहों पे पड़ता है और इसके कारणवश उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ माता पिता के समान ही व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। आप अपने माता पिता के जो दिए हुए गुण हैं उन्हें अच्छे से रखिए, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी इंसान जाता है हमेशा जो उसमें गुण या अवगुण होते हैं यही माना जाता है कि इनके माता पिता के द्वारा दिए हुए हैं। तो अगर आज तक आपने अपने माता पिता का सम्मान करा है तो आज के बाद से आप अपने पत्नी के माता पिता का भी सम्मान करिए, जिससे कि आपके जीवन में तरक्की आएगी और आपके जो गुणों में वृद्धि होगी और दोषों में कमी होगी। अब तीसरा वचन पति देता है कि वो जीवन की हर अवस्था में अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा या उसका साथ देगा। तो जब तक आपके शरीर में प्राण है, आप चाहे वो आपकी युवा अवस्था हो, प्राण अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, हमेशा आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उनके हमेशा मान सम्मान करते रहना चाहिए।
अब इसके बाद चौथा वचन आता है जहाँ पे पत्नी बताती है अपने पति को कि आज के बाद जो भी घर परिवार की जिम्मेदारियाँ होंगी, घर की जिम्मेदारियाँ कैसे होती हैं, जैसे घर का किराया देना, घर की किराना लाना, घर के हर तरह के बिल चुकाना, ये सब पति की जिम्मेदारी रहेगी और वह तभी उसके साथ शादी करेगी। तो अगर आप आज तक काम धंधा नहीं करते आए हैं, यहाँ पर मैं सभी माँ बाप को भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अगर आपका बेटा आज तक काम नहीं कर रहा है और आप उसकी शादी कर रहे हैं तो वो अपने इस वचन का निर्वाह बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, जो कि शादी की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूरी न करने जैसा है। तो उसके घर में लक्ष्मी का वास किस तरह रहेगा? इसी तरह जब आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढें तो हमेशा इस तरह के लड़के से अपने बेटी की शादी करें जो कि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमेशा पैसा इकट्ठा कर पाए या फिर उनका निर्वाह कर पाए। और साथ ही साथ इस वचन को अगर आप मानते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जिस घर में आवश्यकताओं की पूर्ति, मैं यहाँ पे आपको लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम कार में निकले, हर चीज़ बहुत बड़ी और शानदार हो, पर घर की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको ज़रूर धन का अर्जन करना चाहिए, यानी पैसे कमाने चाहिए। अब मैं आपको आपका पांचवा वचन याद दिला देती हूँ। पति बनते समय आप अपनी पत्नी को पांचवा वचन देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि आज के बाद जो भी घर के खर्चे होंगे, घर में कोई नया सामान लाएंगे, किसी को कुछ पैसे देंगे, तो आप हमेशा उससे उसकी राय मांगेंगे और बिना उससे पूछे आप घर में खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपके घर में आपकी पत्नी के साथ हमेशा आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आपको कहीं भी खर्चा करना है, किसी को पैसे उधार देने हैं या किसी की कोई ज़रूरतें पूरी करनी है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, आपके माता पिता हो, कोई भी हो, आपको हमेशा अपनी पत्नी से राय और सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसमें स्त्रियों को भी अपने पति के जो भी उनके दायित्व हैं उनको निर्वाह करने में उनका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही अपने बारे में सोचें और अपने पति को उनके दायित्वों का निर्वाह करने से रोकें। यह नियम इसलिए है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका मान सम्मान बढ़ता है और जो आप दायित्वों का निर्वाह करते हैं उससे आप दोनों की प्रसिद्धि बढ़ेगी। और इस तरह से दायित्वों का निर्वाह करने वाले पति पत्नी के घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप जब भी कोई भी खर्चा करें, किसी को पैसे दें, तो आप उसके लिए अपनी पत्नी से ज़रूर पूछें और उनसे ज़रूर इस बारे में बात करें। कई लोग चोरी छुपके इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, कभी दोस्तों को दे देते हैं, कभी इधर उधर दे देते हैं, तो उन लोगों के घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास कभी नहीं होता। पतियों के इस तरह के अवगुण के कारण माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं। तो जब भी आप पैसे का कोई भी लेन देन करें, खासतौर पे यहाँ पे सबसे सही शब्द है लेन देन करते हैं, तो आपको अपनी पत्नी को ज़रूर बताना चाहिए। यहाँ मैं बहुत छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रही हूँ कि सुबह 100 रुपये दिए थे वो ख़त्म हो गए, यहाँ पे मैं बड़े लेन देन की बात कर रही हूँ। जब भी आप किसी को थोड़ी बड़ी राशि दें, आप उसका बारे में अपनी पत्नी से ज़रूर मंत्रणा करें या उनसे ज़रूर। मैं यहाँ पे छठवा जो आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है वो बता देती हूँ। पति अपना छठवा वचन ये देता है कि कभी भी पत्नी को किसी के भी सामने अपशब्द नहीं करेगा, बुरा भला नहीं कहेगा। पत्नी के मायके से अगर कभी कोई आ जाएगा तो वो कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। यहाँ पत्नी ऐसा बोलती है कि मेरी सखियों या मेरी सहेलियों के बीच, जब मैं 4 लोगों के बीच में बैठी हूँ, तब तुम कभी भी मुझसे बुरे ढंग से व्यवहार नहीं करना। कई पतियों की आदत होती है कि घर में 4 मेहमान आए नहीं पत्नी की तरफ से कि उनका मुंह फूल जाता है। तो इस तरह की आदतों के लोगों को आज से सजग हो जाना चाहिए। जब भी आपके घर में मेहमान आए या पत्नी के मायके से कोई आए, तो उस वक्त आपको अपने पत्नी के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना है। आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना है, आपके व्यवहार से आपकी प्रशंसा होगी दूर दूर तक, और साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब यहीं पर पत्नी अपने पति से एक और वचन मांगती है कि आपके अंदर कोई भी तरह की बुरी आदतें ना रहें। जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं, चाहे वो जुआ खेलना हो, शराब पीना हो, सिगरेट इत्यादि पीना हो, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि बुरे व्यसनों में पड़कर पति उस घर की धन संपदा का नाश कर देता है और घर में तरह तरह के कष्ट हमेशा बने रहते हैं। तो आप हर तरह के व्यसन से दूर रहिए, आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेंगे, तभी आपके घर में बच्चे तरक्की करेंगे, स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। अब सबसे आखिरी और सातवां वचन आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज
समाज के बाद पति किसी भी पराई स्त्री को किसी और नज़र से नहीं देखेगा, वो हर पराई स्त्री को केवल अपनी माँ स्वरूप मानेगा। जिस घर में पति हर पराई स्त्री को अपनी माँ स्वरूप मानता है या उसको सम्मान भरी नज़र से देखता है, कोई बुरी नज़र नहीं डालता है, उस घर में हमेशा स्त्री बहुत ही सुखी रहती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आते हैं, दो नावों पे पैर रखने वाली की कभी जीत नहीं होती। तो जब भी आप अपने जीवन में अपनी बीवी से करे हुए इन वचनों को नहीं निभाएंगे तो समझ लीजिए आपकी तो हार है ही, साथ साथ आप अपने पूरे घर परिवार के नाश का भी कारण बनते हैं। तो इस तरह जो पति अपने इन गुणों को या इन आदतों को हमेशा संभाल के रखते हैं और इस तरह से अपने घर परिवार को चलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ उनकी खुद की तरक्की बहुत अच्छी होती है। इस तरह के पतियों के द्वारा घर में जो धन अर्जन करा जाता है वो लंबे समय तक रहता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसे उपाय बताइए जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास सदैव के लिए रहे। तो ये उनमें से एक है, पति के इन गुणों, इन आदतों या इन व्यवहार और आचरण के कारण आपके घर में माँ लक्ष्मी की सदैव के लिए कृपा बनी रहेगी और सभी की तरक्की होना एकदम संभव है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट मैं पिन कर रही हूँ जिसमें कि लिंक दिया रहेगा, आप उसे क्लिक करके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और आप अपने घर में खूब सुख समृद्धि और खुशी के साथ रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।